बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं अकाउंटिंग पार्ट टू, करंट एप्रिसिएशन पर बी एंड एंड रिजर्व की प्रॉब्लम नंबर 14 है, हम वो डिस्कस करेंगे। पहले उसको पढ़ते हैं जी। अ ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज 10 मोटर ट्रक्स एट रुपीज 90,000 ऑन 1st अप्रैल 2013। ऑन 1st अक्टूबर 2015 वन ऑफ द ट्रक गॉट एन एक्सीडेंट एंड वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। 54,000 और रिसीव फ्रॉम द इंश्योरेंस इन द फुल सेटलमेंट। फिर वो कह रहे हैं ऑन द सेम डे अनदर ट्रक वाज परचेज, एक नया ट्रक आपने खरीदा जिसकी वैल्यू हमारे पास 1,00,000 थी एंड द कंपनी गॉट द डेप्रिसिएशन एट 20% पर एनम ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट एंड अब्सॉर्ब द कैलेंडर ईयर्स एज इट फाइनेंशियल ईयर्स एंड गिव द मोटर ट्रक्स अकाउंट फ्रॉम द 2013 to 2015। 2013 से 2015 तक आपने चलना है और हमारे पास 10 मोटर ट्रक हमने परचेज किए थे, इस पे जरा आपने गौर करना है। और एक ही कॉस्ट थी वो हमारे पास 90,000 ईच था, तो अब आपने 10 जरा 90,000, तो हमारे पास 9,00,000 आ गया 10 की कॉस्ट, ठीक है। और ये आपने कब परचेज किए, ये आप परचेज कर रहे हैं अप्रैल 2013 को, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें कि अक्टूबर 1st 2015 को एक ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है, तो कितना जी एक्सीडेंट हो गया और वो क्या हुआ कि कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हो गया, ये यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया और वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हो गया हमारे पास, कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। और आपने क्या किया कि सेम डेट को यानी कि 1st अक्टूबर 2015 को एक नया एसएस खरीदा जिसकी कॉस्ट थी 1,00,000, परचेज किया ये न्यू एसेट, उसकी कॉस्ट हमारे पास कितनी थी 1,00,000। और आपने इंश्योरेंस भी क्लेम की थी जो ट्रक एक्सीडेंट हुआ था और आपको 54,000 उससे भी मिला। और यहाँ पे वो कह रहा है कि ओरिजिनल कॉस्ट मार्केट से क्वेश्चन करना है और रेट ऑफ जो मेथड है यहाँ पे ओरिजिनल कॉस्ट है और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमारे पास 20% है। और 2013 से 2015 तक आपने जो है वो ट्रक अकाउंट यहाँ पे बनाना है, ठीक है। अब चलते हैं जी मोटर ट्रक्स अकाउंट बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ऊपर मोटर ट्रक्स अकाउंट लिखेंगे और उसी तरह से डेट डेट का रेफरेंस का अमाउंट का, फिर डेट हमारे पास रेफरेंस और अमाउंट का कागज बनाएंगे। ठीक है, डेट रेफरेंस अमाउंट डेट रेफरेंस, ठीक है। अभी देखिएगा कि आपने अप्रैल कब, 1st अप्रैल 2013 को ट्रक खरीदे हैं और 1,00,000 का 90,000 का, तो 10 ट्रक की कीमत 9,00,000 हो गई। आप इस पे आपने डेप्रिसिएशन जो चार्ज करनी है, अब इस तरह से आपके देखिएगा कि 2013 की हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। आप देखें कि हमारे पास 9,00,000 था, इसमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 20% करेंगे तो हमारे पास 1,80,000 आ गया, ठीक है। 1,80,000 हमारे पास आ जाता है। अब यहाँ पे आपने अप्रैल से दिसंबर चलना है तो हमारे पास 9 माह बनते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि
से 12 करेंगे 9 आ गई, तो हमारे पास आ गया थी 135,000। ठीक हो गया, आप इधर लिखेंगे 135,000। ठीक है, अब इसी तरह से 9,00,000 टोटल दोनों तरफ, और यहां पे हमारे पास आ गया बैलेंस कैरी डाउन, में से 1,09,00,000 में से 1,35,000 यहाँ पे हम लेस करेंगे, हमारे पास आ रहा है 7,65,000। यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट जैन 2014, हमारे पास आ रहा है बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना 7,65,000 31 दिसंबर, को हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो फुल ईयर डेप्रिसिएशन होगी हमारे पास, जो कि हमने फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड था, तो हमारे पास है 1,80,000। ठीक है, फुल ईयर डेप्रिसिएशन भी आप इसी तरह से आपने 7,65,000 का दोनों तरफ लिखना है, 7,65,000 में से आपने 1,80,000 को लेस किया तो 5,85,000 आ गया। ठीक है, 5,85,000 बैलेंस ब्रॉड डाउन 5,85,000 31 दिसंबर। अब यहां पे क्या हुआ कि आपका जो एसेट था हमारे पास वो अक्टूबर 15 को हमारे पास यहां पे उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो अगर हम देखें तो फिर एक ट्रक की अगर हम डेप्रिसिएशन देखें यहां पे 9वां बनते हैं हमारे पास, तो अगर 9वां देखें तो हमारे पास जो यहां पे सिस्टम है किस तरह से हम लिखेंगे, मैं आपको दिखा दूंगा इसकी वर्किंग, कि कॉस्ट ऑफ वन ट्रक था हमारे पास, इसकी वर्किंग को आपने देखना है, कॉस्ट ऑफ वन ट्रक था हमारे पास 2013 में, एक ट्रक की कीमत थी 90,000। अब उसमें से हमने लेस जो है डेप्रिसिएशन करनी थी 2013 की, जो कि हमारे पास 9 मंथ्स की थी, वो हमारे पास कितनी आ रही थी, एक ट्रक की 10 ट्रक की है, तो अगर हम एक ट्रक की देखेंगे तो हमारे पास आ रही है 13,500। फिर डेप्रिसिएशन ऑफ वन ईयर 2014 में हमारे पास जो डेप्रिसिएशन आ रही थी वो 1,80,000 थी, लेकिन ये 10 ट्रक की थी। यहाँ पे क्लास हमने अभी कितने की लेनी है, अभी हमने एक ट्रक की लेनी है, तो हमारे पास 18,000 आ जाएगा। और इसी तरह से डेप्रिसिएशन है आप हमारे पास वन ईयर की, यहाँ पे फिर से 9 मंथ की डेप्रिसिएशन जो हमारे पास आ रही है एक ट्रक के ऊपर 2015 में, तो हमारे पास कितनी आ रही है अगर हम देखें तो हमारे पास आ रही है डेप्रिसिएशन 13,500 की, तो वो भी हम यहाँ पे जो है वो लेस करेंगे। ठीक है, अब आपने इसको लेस किया तो आपके पास इन सबको प्लस करेंगे तो 45,000 आ जाएगा, अब 90 में से 45 को निकालेंगे तो 45,000, और ये आपके पास ट्रक की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ ट्रक एट टाइम ऑफ एक्सीडेंट, जब ट्रक का एक्सीडेंट हुआ था तो ट्रक की वैल्यू आपके पास उस वक्त थी 45,000, लेकिन आपको जो इंश्योरेंस क्लेम आपने किया था वो आपको मिला है 54,000, तो आप देखिए 9,000 जो है वो आप प्रॉफिट में जा रहे हैं। ठीक है, तो कैपिटल रिजर्व में आप प्रॉफिट जाके लिख देंगे, लेकिन आप देखिए 31 दिसंबर को भी आपने इंश्योरेंस क्लेम की थी, तो इंश्योरेंस आपको मिली कितनी 54,000, और प्रॉफिट आपको यहाँ पे हो गया, तो आप प्रॉफिट यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल रिजर्व के साथ कितने से 9,000 से। लेकिन यहाँ पे उसने कहा कि आपने अक्टूबर 2015 को एक नया एसेट भी खरीदा था और उसमें जो डेप्रिसिएशन थी वो आपके पास कितनी 1,00,000 रुपए खरीदा था। ठीक है,
और डेफिनेटली ये अक्टूबर और 21 दिसंबर, अगर हम न्यू क्रॉप की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन है रिकॉर्ड हो रही है हर साल जो है दिसंबर में, तो इसका मतलब ये है कि अक्टूबर से दिसंबर में की कॉस्ट ही 1,20,000 और 100, तो हमारे पास कितना आ जाता है अगर देखा जाए 1,20,000 और साथ में आपने अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, तो आपने 3 माह की यहाँ पे जो है वो कैलकुलेट करनी है डेप्रिसिएशन कितनी आएगी न्यू एसेट पे, जो कि हमारे पास 2015 की बात कर रहा था 2015 में, तो आपने इस तरह से कैलकुलेट किया तो हमारे पास कितनी डेप्रिसिएशन यहाँ पे आ गई। अगर हम चेक करते हैं कैलकुलेटर से तो हमारे पास ये आ रहा है 5,000, तो 5,000 हमारे पास नए एसेट की डेप्रिसिएशन आएगी, तो इधर लिख सकते हैं ये न्यू एसेट की डेप्रिसिएशन है 3 मंथ्स की, ये वो हो गई। अब एक चीज रह गई कि हमने एक एसेट की डेप्रिसिएशन तो निकाल ली यहां पे 13,500 हमारे पास डिस्ट्रॉय हुआ था, ठीक है, और हमने ये भी देखा कि हमने प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अब आपने जो डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है सेम वो डेप्रिसिएशन आप चार्ज करेंगे नौ ट्रक्स की, जो कि हमारे पास कितनी आ रही थी डेप्रिसिएशन हम यहाँ पे चार्ज करेंगे जो कि 21 दिसंबर को ही हमें देखनी थी, तो हमारे पास 9 ट्रक की जो डेप्रिसिएशन थी वो हमारे पास कितनी आ रही है, अगर देखेंगे एक ट्रक की थी हमारे पास फुल ईयर 18,000, तो अगर हम 9 के साथ इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितनी आती है जरा इसको चेक कर लेते हैं, 18,000 मल्टीप्लाई आपने इसको किया 9, तो हमारे पास आया 1,62,000, ठीक है 1,62,000, तो वो भी हमारे पास 1,62,000 जो है वो 9 ट्रक्स की आ गई, ठीक है। अब आपने इसी तरह से इसका सम अप करना है, तो 5,85,000, 9,000 और 1,00,000 का हमने टोटल किया तो हमारे पास आया 6,94,000, जो कि दोनों तरफ लिखा जाएगा इधर भी और इधर भी, हमारे पास क्या आ गया ये बैलेंस कैरी डाउन था। अब अगर इनको जरा जो लेस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 4,59,500, ठीक है 4,59,500, तो हमारे पास ये बैलेंस आएगा 1 जून 2016 में बैलेंस ब्रॉड डाउन से 4,59,500, ठीक है जी। क्लास उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी, क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल था, इससे पहले हमने कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं किया कि जिसमें आपको प्रॉफिट भी आया हो, और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर्स के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें, ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।